फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेश रंजन और आपके लिए आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूं। तो दोस्तों, इस सप्ताह जो है बहुत सारे वीडियो अपलोड करने वाला हूं। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है जेटेट में पिछली बार पूछा गया है, पिछली परीक्षाओं में, सारे के सारे इस सप्ताह तक पूरे हो जाएंगे। और किसी वीडियो को मिस ना करें, बहुत महत्वपूर्ण है नए शिक्षार्थियों के लिए, तो खास करके बहुत महत्वपूर्ण है जो अभी तक टीटी में नहीं बैठे। दोस्तों, मैं भी आपकी तरह टीटी की तैयारी करता हूं, मैं भी एक स्टूडेंट हूं, लेकिन फिलहाल मैं केजीबीवी सतगावा में पढ़ाता हूं और जो भी समय मिलता है वह समय आपके साथ बिताता हूं। तो बहुत खुशी होती है आपके साथ समय बिताने में। तो आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं, तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप कोई सुझाव दीजिए कमेंट के माध्यम से, किस प्रकार से वीडियो बनाना है, कौन सी टॉपिक रखनी है, तो मुझे अधिक खुशी होगी। आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। तो चलिए, मैं आज का ये वीडियो शुरू करता हूँ। आज पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 प्रश्न लाया हूँ जो प्रीवियस क्वेश्चन है, पिछले परीक्षाओं में पूछा गया है। आपको थोड़े सा वक्त दूंगा, आप बनाइए आप मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए, पहला सवाल है, हाइड्रिला जैसे पौधे कहाँ रहते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने है, आप जल्दी से लगाइए। लगा लिया मैं, आप पे उम्मीद है कि आपने लगा लिया। तो इसका आंसर होगा जल में। अगला सवाल है, जिस पदार्थ की मदद से पाचन क्रिया होती है कहलाता है? लगा लिया आपने, इसका आंसर होगा एंजाइम। ये लार में पाया जाता है। आगे है, वीओडी का मान किसमें अधिक होता है? वीओडी का मान बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। तो चार ऑप्शन है, आप चार ऑप्शन में एक ऑप्शन लगाइए। लगा लिए, इसका आंसर होगा मलजल। मैं बताता हूँ, वीओडी स्वच्छ जल में वीओडी का मान सबसे पहले अधिक होता है, लेकिन मलजल में, सॉरी, स्वच्छ जल में वीओडी की मात्रा जो कम होती है, लेकिन मलजल में अधिक मात्रा होती है। चलिए आगे है, जल या वायु द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत हटाने की प्रक्रिया कहलाती है? तो चार ऑप्शन है, इसका आंसर होगा अपरदन। पृथ्वी का 70% भाग जल है, परंतु स्वच्छ जल का प्रतिशत कितना है? लगा लिए आप, 3%। दोस्तों, स्वच्छ जल 3% है, बाकी 97% जल जो है हमारे समुद्रों में है, जो खारे पानी है, मीठा पानी नहीं है। तो 3 से 2.5 से 3% के बीच में रहता है, ऑप्शन के अनुसार आप लगाएंगे। अगला सवाल है, सजीव किसका प्रयोग निरंतर ऊर्जा के स्रोत के रूप में करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा वायु। अम्निवोरस का क्या अर्थ है? चार ऑप्शन है, वे जो पौधे या मांस खाते हैं, वे जो केवल पौधे खाते हैं, वे जो केवल मांस खाते हैं, वे जो न पौधे खाते हैं न मांस खाते हैं। तो चार ऑप्शन में आप लगा लिए होंगे, ओमनिवोरस का अर्थ होता है वे जो पौधे और मांस दोनों खाते हैं। अगले सवाल, वे प्राणी जो दूसरे प्राणियों के भीतर रहते हैं और उनके शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं वे कहलाते हैं? तो होस्ट, पैरासाइट, कार्निवोरस और हर्बीवोरस, सारे अंग्रेजी नाम है। तो लगा लिए आप, इसका होगा पैरासाइट। पैरासाइट का हिंदी परजीवी होता है। अगला सवाल, पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को कहते हैं? चौथे सवाल, इसका डी आंसर होगा स्टार्च। अगला सवाल है, भूमि और अगला सवाल भूमि और जल दोनों में रहने वाले प्राणी कहलाते हैं? ये तो आसान है, उभयचर कहलाते हैं। आगे है, वे साग सब्जियां जो रुचांश देती है और शरीर को किससे छुटकारा प्रदान करने में मदद करती है? चार ऑप्शन है, आप जल्दी से टिक लगाइए। चलिए, इसका आंसर मैं बताता हूँ, नहीं पचे, सॉरी, पचे हुए भोजन। 12 नंबर सवाल, एक जीव जो मिट्टी में बिल बनाता है ताकि मिट्टी द्वारा वायु और जल अवशोषित किया जा सके और वह उर्वरक बन सके कहलाता है? चार ऑप्शन है, सरीसृप, दंद्रु, सांप और केचुआ। कौन सा आंसर होगा इसका? केचुआ होगा, डी आंसर। अगला सवाल, एक स्थान के वायु, नमी और तापक्रम जैसे अजैव कारक
किसका निर्धारण करते हैं? तो इसका आप आंसर लगाइए, लगा लिए, मैं बताता हूँ, बी आंसर होगा मौसम। प्रमुख ऊर्जा उत्पादक करने वाले खाद्य हैं, चार ऑप्शन है, तो इसका आंसर सी होगा, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इसे ऊर्जा अधिक मिलती है। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रजातियां किससे जुड़ी होती है? तो चार ऑप्शन, खाद्य श्रृंखला, प्राणी, पौधे और खाद्य जाल। लगा लिया आप, खाद्य जाल होगा डी आंसर। जल को कैसे बचाया जाए, इस संबंध में शिक्षक के निम्नलिखित में किसका एक शिक्षण साधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? तो ये दो ऑप्शन यहाँ, दो ऑप्शन यहाँ, चार ऑप्शन है, लगा लिए इसका आपने, ये कार्यकलाप सीट। आगे चलते हैं, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत शैक्षिक और स्वशैक्षिक संगठन शामिल है, निम्नलिखित में से कौन एक स्वशैक्षिक संगठन है जिसे विद्यालय द्वारा मूल्यांकन करने की आवश्यकता है? तो इसका आंसर होगा सामाजिक दक्षता। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होनी चाहिए उन्हें, चार ऑप्शन है, ये काफी लंबा ऑप्शन है, चलिए मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, ये होगा। आगे देखता हूँ, पर्यावरण शिक्षा का महत्व है क्योंकि यह पृथ्वी के भविष्य के परिरक्षकों को खाली जगह के साथ सज्जित करता है। तो इसका होगा सी आंसर होगा, संपूर्ण पर्यावरण का अपेक्षित ज्ञान, इसकी समस्या और सकारात्मक और सततशील तरीके द्वारा इन्हें समाधान करने का कौशल। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस एक के अतिरिक्त सभी पर्यावरण के अध्ययन के महत्व है? इसका होगा भाषा का, भाषा को समझना, इसको छोड़ करके सभी पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो विभिन्न कारकों पर अन्योन्याश्रित होती है, तो ये चार ऑप्शन है, तो चार ऑप्शन में इसका आंसर होगा मनुष्य और प्रकृति का संबंध। 22वां सवाल, निम्नलिखित में कौन पोषक तत्वों का एक भाग नहीं है? चार ऑप्शन में इसका होगा कास्टिक सोडा। अगला, निम्नलिखित में एक चीज जो रुचांश नहीं प्रदान करता है वह है? नहीं पचे हुए भोजन से छुटकारा। अगला, गांव के एक परिवार में जल भंडारण के लिए किसका व्यवहार किया जाता है? इसका आंसर पीट होगा। दोस्तों पीट का मतलब होता है चूहा, गड्ढा, डोभा, तो गांव में ये पीट के लिए व्यवहार किया जाता है, तो इसका आंसर पीट होगा। अगला, इसमें स्वच्छ जल नहीं होता है, इसका आंसर डी होगा, समुद्र में स्वच्छ जल नहीं होता है। अगला है, एक गांव में पेयजल का संभव स्रोत क्या हो सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा, कुआं, बी होगा। अगला सवाल, भूअपरदन, अल्प वर्षा, प्राकृतिक संसाधनों की छिनता और सुकुचन प्रकृति किसके कारण होती है? वन नाशन, वन रोपण, मौसम और जल, चार ऑप्शन है, सही आंसर वन नाशन ये होगा। एडिबल शब्द का क्या अर्थ है? एडिबल शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा खाया जा सकता है, खाने योग्य भाग को एडिबल बोला जाता है, खाने योग्य को। आगे देखते हैं, कौन विटामिन हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने और ऊर्जा तैयार करने में मदद करता है? वह दाल, आलू और केले में पाया जाता है और उसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है, तो ये विटामिन बी होगा। अंतिम सवाल, निम्न में से कौन एक गैर संक्रामक रोग है? डायबिटीज, हैजा, मलेरिया और चेचक, तो गैर संक्रमण यहाँ पर डायबिटीज है, डायबिटीज जो है संक्रमण से नहीं होता, ये होगा आंसर। तो दोस्तों ये था आपका पर्यावरण का एक सेट जो पिछली परीक्षाओं में पूछा गया था, तो पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ।